अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आज हम लोग बात करेंगे कार्डियोमायोपैथी के बारे में। कार्डियोमायोपैथी जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कार्डिक का मतलब हार्ट, मायो का मतलब हार्ट मसल्स, एंड पैथी का मतलब कोई ना कोई वहाँ पे एबनॉर्मलिटी या पैथोलॉजी इन द कार्डिक हार्ट मसल्स। ये देखें कार्डिक हार्ट मसल्स, ये आप देखें एट्रियम है, वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कोई भी डिजीज़ जो कि इफेक्ट करेगी कार्डिक हार्ट मसल्स को, तो उसे हम कार्डियोमायोपैथी कहेंगे। कार्डियोमायोपैथी के अंदर ये होता है कि हार्ट के जितने भी वॉल्स हैं या चैम्बर्स हैं, ये जो होते हैं इनके अंदर जो होती है एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है, या स्ट्रेच हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और या थिक हो जाते हैं। तो जब वो स्ट्रेच हो जाते हैं या थिक हो जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं जैसा कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में होता है, तो उसके अंदर ये होता है कि फिर हार्ट की जो पम्पिंग एबिलिटी होती है, जो हार्ट पम्प कर रहा होता है ब्लड को एक फोर्स के साथ, और जो जो ब्लड जो पम्प करता है हार्ट, तो वो थ्रू आउट बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, तो उसके अंदर ही होता है जब वो स्ट्रेच हो जाते हैं या थिक हो जाते हैं, तो वो पंपिंग एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो थ्रू आउट बॉडी के अंदर पंप नहीं हो पाता प्रॉपरली। तो उसके अंदर प्रॉपरली जो होता है ब्लड पंप नहीं हो पाता, और जो होता है हार्ट जो होता है वो फिर उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, या फिर फेलियर की तरफ जा रहा होता है वो, हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा होता है। लेकिन एक मिसकॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई लोग ये समझते हैं कि कार्डियोमायोपैथी जो होता है वो भी कोई इस्केमिक हार्ट डिजीज है। इस्केमिक हार्ट डिजीज मतलब जो कि हार्ट की आर्टरीज को ब्लॉक होने की वजह से होती है। तो प्लीज़ अगर आप लोग ये इसको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि जो कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या आर्टरीज जो होती हैं ब्लॉक होती हैं, उसमें और कार्डियोमायोपैथी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कार्डियोमायोपैथी जो होती है वो खाली कार्डिक मसल्स की मसल्स जो होते हैं उनका इश्यू होता है, तो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा उनकी वॉल थिक हो जाती है, या फिर उनके जो जो उनका जो मसल्स हैं उनके अंदर इश्यू हो जाता है, या तो कोई ये होता है। लेकिन इससे ब्लॉक आर्टरी से इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता, या वेल्वुलर डिजीजेस जो हमने डिस्कस किए हैं पहले, हार्ट के वेल्व की डिजीज है, उनसे इसका इतना लिंक नहीं होता। तो हम डिस्कस करते हैं कार्डियोमायोपैथी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर क्या होता है कि जिस तरह के नाम से ही है कि डायलेट हो जाती है हार्ट के मसल्स जो होते हैं, मसल्स की जो वॉल्व है हार्ट की बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं और थिन हो जाती हैं। जब वो ज़्यादा स्ट्रेच और थिन हो जाती हैं, तो वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनका वॉल जो होती है बहुत ज़्यादा थिन भी हो जाती है। जब वो थिन होती है तो प्रॉपरली ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो अगर हार्ट का फेलियर के चांसेस उसके अंदर बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसा अभी हमने डिस्कस किया है कि वो प्रॉपरली वॉल थिन भी हो गई हैं और स्ट्रेच होने की वजह से वो डायलेट भी हो गई हैं, तो प्रॉपरली जो होता है वो ब्लड को पम्प नहीं कर पाती, जिसकी वजह से पेशेंट जो होता है वो फील करता है काफ़ी टायर्ड फील करता है, काफ़ी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है उसके अंदर, या फिर स्वेलिंग होती है लिम्स के अंदर, और वो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि ब्लड जो होता है प्रॉपरली पम्प नहीं हो रहा होता बॉडी के अंदर। और इसके साथ साथ इसके अलावा हार्ट के वेल्व के इशू भी डेवलप हो सकते हैं ऐसे पेशेंट के अंदर, आगे जाके उनको रिस्क होता है इसका कि जब इरेगुलर हार्ट बीट होती है तो ये होता है कि ब्लड क्लॉट भी हो सकता है वहाँ से, और वो जो होता है। तो इस वजह से अगर किसी के अंदर ये सिम्टम है तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, इसका ये होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो होती है, ये जो है ये बच्चों में भी डेवलप हो सकती है, या फिर बड़ों में भी डेवलप हो सकती है। इसके अंदर ये जैसा कि है कि इनहेरिटेंस में, अगर किसी को जेनेटिक्स में है, किसी
के फादर को थी या उसके फादर को थी, तो इस तरह से बच्चों में भी ये चीज़ आ सकती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो होती है जेनेटिकली भी ट्रांसमिट हो सकती है। और ये जो होता है इसके अंदर ऐसे लोगों को ज़्यादा होती है जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है या फिर अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, अगर आप कोई मल्टी वाइटामिन इस तरह के प्रॉपरली ना रह रहे हो या मिनरल्स ना रह रहे हो अपनी डाइट के अंदर, या ऐसे लोग अल्कोहल से भी इसका लिंक होता है, ज़्यादा अल्कोहल यूज़ कर रहे हो, या फिर ऐसे लोग जो कि ड्रग्स वगैरह के ऊपर होते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी ज़्यादा चांसेस होती हैं। या फिर वायरल इन्फेक्शन भी इसके अंदर होता है जो कि इन्फ्लेमेशन करता है हार्ट मसल्स की, और उन लोगों के अंदर भी डेवलप हो सकती है। और इसके अलावा ये होता है कि ऐसी डिजीज़ जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर की डिजीज़, जैसे ग्रैनुलोमाटोसिस कहते हैं या पोलिनजाइटिस कहते हैं, सार्कोइडोसिस, अमाइलाइडोसिस, ल्यूपस, पॉलीआर्थराइटिस, नोडोज़ा, ये सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है आर्टरीज़ की, या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है कोई, उन लोगों के अंदर भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कार्डियोमायोपैथी डेवलप होने के। और सेकेंड टाइप जो होती है इसकी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी नाम से जाहिर है कि हाइपरट्रॉफी का मतलब बहुत ज़्यादा हार्ट का जो मसल्स का साइज है उनकी इनलार्जमेंट होती है, हार्ट मसल सेल्स जो होते हैं बढ़ जाते हैं इसके अंदर, और जो हार्ट के वेल्व के चैम्बर्स होते हैं बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हार्ट के मसल्स के साइज इनलार्ज हो जाता है और जो वॉल्स हैं हार्ट चैम्बर्स की वो ज़्यादा थिक हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से उसका साइज जो होता है ब्लड का, ब्लड जब हार्ट थिक हो जाता है तो जाहिर सी बात है अंदर से ये थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, हार्ट का जो वेंट्रिकल का साइज जो होता है अंदर से ब्लड को इतना ज़्यादा वो अपने अंदर जो होता है प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट जब वो करता है तो कम ब्लड जो होता है उसके अंदर जाता है थ्रू आउट द बॉडी, तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है इसके अंदर। और ये कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जो होती है कुछ लोगों के अंदर सिम्टम्स होते हैं, कुछ के अंदर सिम्टम्स नहीं होते इनिशियली, लेकिन इसके अंदर सडन या अनएक्सपेक्टेड डेथ जो होती है वो यही डिजीज़ है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। स्पेशली अगर आपने देखा होगा कि एथलीट्स के अंदर अगर वो रनिंग कर रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं या कोई सा भी ऐसा काम कर रहे हैं, रनिंग स्पेशली रनिंग के अंदर, या फिर कोई से भी एथलीट जो भी जंपिंग या कोई भी एक्टिविटी ऐसे कर रहे होते हैं फिजिकल, उनके अंदर डेथ का वन ऑफ द मेन कॉज जो होता है वो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है, जिसके अंदर सडन कार्डिक डेथ हो जाती है, अचानक ही कार्डिक डेथ हो जाती है, क्योंकि रीज़न उसका यही है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो जो होता है कि हार्ट का अचानक ही रिड्यूस होके ब्लॉक हो जाता है, तो हार्ट को पम्प नहीं कर पाता ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और इसकी वजह से जो होती है अचानक डेथ हो जाती है। इसके अलावा चांसेस होते हैं हार्ट का कोई इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर एंडोकार्डाइटिस जिसे कहते हैं, सिम्टम्स ज़्यादातर चेस्ट पेन, डिजीनेस, ये चीज़ें मिल रही होती हैं, और ज़्यादातर जो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो ये इनहेरिटेड करते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स से। और ये कि रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी जो होती है काफ़ी रेयर फॉर्म होती है कार्डियोमायोपैथी की, ज़्यादातर चिल्ड्रन में भी होती है और ये किसी भी एज में डेवलप हो सकती है। द वॉल जो होती है हार्ट की, वॉल जो होती है अराउंड द एट्रियम और वेंट्रिकल, काफ़ी रिजिड हो जाती है और थिक हो जाती है और रिलैक्स नहीं कर पाती। जब वॉल रिलैक्स नहीं कर पाती प्रॉपरली तो हार्ट जो होता है प्रॉपरली फिल नहीं कर पाता ब्लड को, ब्लड उसके अंदर आके जमा नहीं होता प्रॉपर, और मतलब अचानक ही ब्लड प्रॉपरली फिल नहीं होता और वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसको रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी भी कहा जाता है। और ये भी जो होता है रिड्यूस ब्लड फ्लो होता है हार्ट के अंदर, और इसके अंदर भी जो होते हैं हार्ट फेलियर सिम्टम डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ब्रेथलेसनेस, टायर्डनेस, स्वेलिंग, और इसके साथ साथ हार्ट के रिदम के भी प्रॉब्लम होते हैं। और इसके अलावा एरिथमेजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी भी होती है। दिस वन इज द राइट वेंट्रिकल, यू कैन सी हियर,
एरिथमियोजेनिक राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी का मतलब इनलार्ज हो रहा है राइट वेंट्रिकल। यूजली जो होता है इसमें ये होता है कि हार्ट मसल सेल जो होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, और मसल सेल जो होते हैं वो उसकी वजह से एबनॉर्मल होने की वजह से टिश्यू की डेथ हो जाती है, और उन हार्ट मसल्स टिश्यू को रिप्लेस कर देता है फाइब्रस स्कार। तो और ये कि वॉल जो होती है वो थिन भी हो जाती है चैम्बर्स हार्ट मसल्स की स्ट्रेच होने की वजह से, ब्लड भी प्रॉपर्ली अराउंड पम्प नहीं कर पाते जिस तरह से हमने शुरू में डिस्कस किया। और ऐसे लोग जिनको एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी होती है उनके अंदर हार्ट फेलियर के सिम्टम्स भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, वो भी इनहेरिट करते हैं म्यूटेशन की वजह से, जीन्स के अंदर कोई ना कोई खराबी होती है इसकी वजह से किसी एक जीन में या एक से ज़्यादा जीन्स में। इसके अलावा ये टीनेजर्स और यंग एडल्ट में के अंदर भी होती है, और इसके अंदर ये होता है कि अगर कोई आप ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी इसके अंदर ज़्यादा होती है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज है जिसके अंदर आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं रनिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये काफ़ी वर्स हो जाती है सिम्टम एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकल कार्डियोमायोपैथी, स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ की वजह से वर्स हो जाती है, और उनको जो होता है मतलब पेशेंट्स को जो होता है वेरी बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है इस तरह की हैवी एक्टिविटीज़ करने से। और इसके बाद किस तरह डायग्नोस करते हैं हम कार्डियोमायोपैथी को, कार्डियोमायोपैथी जो होता है इसके अंदर हार्ट स्कैन्स होते हैं यूजली जो होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, एमआरआई स्कैन हार्ट का, या फिर हार्ट रिदम की मॉनिटर करने से, एक्सरसाइज टेस्ट होते हैं डिफरेंट, और ये कि कोई फैमिली हिस्ट्री का ट्री देखा जाता है कि अगर किसी को फैमिली में थी तो ये सारी चीज़ें ये सारे टेस्ट इसके अंदर करवाते हैं, तो उसके बाद जाके डायग्नोस होती है कार्डियोमायोपैथी। और एक जेनेटिक टेस्ट भी होता है, अगर जेनेटिक टेस्ट भी इसमें करवाया जा सकता है कि देखते हैं कि भाई ये कोई जेनेटिक फैक्टर तो इन्वॉल्व नहीं है, अगर किसी को इनहेरिट किया है किसी ने अपने पेरेंट्स से या फैमिली से, तो कुछ कंडीशन के अंदर आपके जो रिलेटिव होते हैं उनको भी टेस्ट करके देखना पड़ता है कि किसी और में तो नहीं है, अगर जेनेटिक टेस्ट किसी के अंदर पॉजिटिव आ जाता है। जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट की बात होती है, यूजली तो इसका सिम्टम्स को खाली कंट्रोल करते हैं, वैसे कोई मतलब इस तरह से हम इसको उससे रोक नहीं सकते, इसको सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको और ज़्यादा होने से हम लोग रोक सकते हैं। और कुछ टाइप की कार्डियोमायोपैथी जो होती हैं उनके अंदर डायग्नोसिस जो होता है उसको अर्ली डायग्नोसिस जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और कुछ जो होते हैं कुछ कार्डियोमायोपैथी उसके अंदर इनिशियली तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन अगर जो वर्स की तरफ जा रही होती हैं तो उसको हम सिम्टोमेटिक कंट्रोल करते हैं और कॉम्प्लिकेशन से रोकते हैं उसको, या तो आप लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं इसके अंदर, या फिर आप जो होते हैं कॉम्प्लिकेशन से इसको रोकते हैं। मतलब लाइफ स्टाइल चेंजेस के अंदर आप हेल्दी डाइट होती है, स्मोकिंग कर रहे हैं तो उससे रोकना पड़ता है, वेट को लूज़ करना पड़ता है, अल्कोहल का इंटेक कम करना पड़ता है, या फिर स्लीप जो होती है आपको प्रॉपर करनी पड़ती है प्रॉपर, या कोई स्लीप एपनिया है उसको आपने प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट लेना होता है, और आपने मेक श्योर करना है कि आपकी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जो होता है वेल कंट्रोल हो। इसके साथ साथ हार्ट रिदम जो होती है उसको कंट्रोल करें, या फिर अगर किसी को हार्ट एरिथमिया है या एट्रियल फिब्रिलेशन है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है ताकि कोई ब्लड क्लॉट से दोबारा स्ट्रोक के चांसेस ना हो। इसके साथ साथ ये होता है कि बाज़ लोगों के अंदर ऐसा होता है कि बाज़ लोगों के अंदर जो होता है इसके डिफरेंट प्रोसीजर भी करना पड़ते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, और ये उसके अंदर ये होता है कि सेप्टम जो होता है उसका हार्ट मसल्स का सेप्टम बहुत ज़्यादा थिक और बल्ज हो जाता होता है, और इसके अंदर ये होता है कि सेप्टम को जो होता है मायोमेक्टमी करने करके कम करना पड़ता है, उसको सर्जरी करके रिमूव करना पड़ जाता है हार्ट मसल्स जो थिकर पार्ट होता है सेप्टम का,
और या फिर किस कभी कभी कंडीशन के अंदर वेल्व को भी रिपेयर करना पड़ जाता है। और इसके साथ साथ जो होती है बास कंडीशन के अंदर कुछ इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ट का जो मसल्स है उसको रिड्यूस करता है, उसके सेप्टम का साइज को रिड्यूस करता है। और जिन लोगों को एरिथमिया होता है उनको प्रॉपरली जो होता है एरिथमिया का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और ये कि हार्ट रिदम के जिन जिन को भी प्रॉब्लम होते हैं उनके अंदर हार्ट टिश्यूज जो होते हैं वो केयरफुली उनको ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर हार्ट एरिथमिया है और वो जो होते हैं इसको वर्स भी हो सकती है उनकी हार्ट का टिश्यू जो है। कुछ लोगों को जो होता है पेसमेकर भी देते हैं, लगाते हैं, क्योंकि हार्ट टिश्यू को वो ये कि हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। और बास कंडीशन के अंदर जो होते हैं कार्डियो ICD भी यूज़ करते हैं, जो कि इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर होते हैं फॉर इन केस ऑफ सीवियर हार्ट रिदम प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर आप लोगों ने नाम सुना हो कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होता है उन लोगों को जिनको कोई फिजिकल स्ट्रेस होती है या इमोशनल स्ट्रेस होती है, फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली मेंबर के अंदर डेथ हो गई या कोई मेजर सर्जरी हुई, तो वो काफ़ी इस तरह से ब्रोकन हार्ट होता है उनका, तो वो मतलब फिजिकली इतना सही महसूस नहीं करते और हार्ट मसल जो होते हैं उनके बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। और ये होता है कि उनका हार्ट का मसल्स का शेप भी चेंज हो जाता है अगर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस की वजह से। और इसके अंदर ये भी होता है कि उनकी हार्मोनल एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस एड्रेनलिन भी रिलीज होता है और वो जो होता है स्ट्रेस के अंदर इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के अंदर होता है। इसके अलावा जो होता है आपको जो भी आपका इस कार्डियोमायोपैथी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर हम लोग देने की देंगे इंशाल्लाह। और ये कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।